तो लेट अस डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स ज़्यादातर पुअर कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, बिकॉज नॉन मेटल्स जल्दी से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज नहीं करते. अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करा, क्योंकि करंट होता क्या है, करंट होता है फ्लो ऑफ चार्ज इन पर यूनिट टाइम. अगर चार्ज का फ्लो ही नहीं हो रहा तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होगी. इसलिए नॉन मेटल जो होते हैं पुअर कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के. नॉन मेटल नॉन डक्टाइल होते हैं, मतलब दे आर. तो डक्टाइल का मतलब होता है कि किसी भी एलिमेंट को हम वायर में कन्वर्ट कर सके, उसको बोलते हैं डक्टाइल, यानी इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डक्टिलिटी. तो मेटल्स तो ऑफकोर्स उनको हम वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, एल्यूमिनियम के वायर्स आती है, आयरन की आती है, लेकिन नॉन मेटल्स को हम कन्वर्ट नहीं कर सकते. ये ब्रिटल होता है, करंट लगे तो ये टूट जाएगा, जैसे कि सल्फर है ये ब्रिटल होगा, सॉलिड होएगी, लेकिन वही आगे जो मैंने बताया नॉन मेटल्स ब्रिटल होएंगे, जैसे इन्हें एक ब्रांड लगे टूट जाएगा. ये डल होते हैं, ये सॉलिड होएगी, उसे तो इनकी अपीयरेंस शाइनी नहीं होगी, नॉन शाइनी होगी, नॉन लस्टरस होएगी ये. और ज़्यादातर नॉन मेटल्स गैसेस होते हैं, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, हीलियम, नियोन एंड हमारे एटमॉस्फेयर में जितनी भी इंपॉर्टेंट गैसेस है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, आर्गन, दिस ऑल आर द नॉन मेटल्स. तभी तो नॉन मेटल्स ट्रांसपेरेंट है, तभी तो नॉन मेटल्स की डेंसिटी कम है. थैंक यू.